तो एस इक्वल टू जीरो हो जाएगा. सो यू कैन हैव एस इज इक्वल टू एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू, अब वो टाइम जो होगा फिलहाल लिखो सिर्फ टी लिखो, प्लस ए वाई इंटू टी स्क्वायर. इन दिस इक्वेशन नाउ एस बिकम्स जीरो एंड यू वाई जो आपका इनिशियल वेलोसिटी था, हाफ ए टी स्क्वायर होता है, कि आपके पास हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी हो जाएगा, प्लस ए वाई जो मेरे पास नेगेटिव जी है, इट इज व्हाट माइनस जी इंटू, नाउ दिस टाइम स्मॉल टाइम बिकम्स कैपिटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट अपॉन आपके पास टू और ये टी स्क्वायर. सो यू हैव जी जी डिफाइन ही करते हैं रेंज को एट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल. तो यहाँ पर अगर आपको निकालना चाहेंगे हम रेंज के बारे में, तो रेंज तो अकॉर्डिंग एक्स के अलोंग आ गया, तो यहाँ हम वाई का बात नहीं कर सकते. तो रेंज निकालने के लिए अगर हम एक्स के अलोंग बात करेंगे, तो हमें एक्स के अलोंग का मोशन को फोकस करना पड़ेगा, जो कि अभी आपके यहाँ पर कॉन्स्टेंट दिया हुआ है. सो यू कैन से रेंज नथिंग बट डिस्टेंस इज इक्वल टू वॉट स्पीड, दैट इज वी एक्स, या फिर आप अपने मन से लिखो यू एक्स, जो कि आपका फिक्स था, यू एक्स इंटू जितना टाइम में वहां तक पहुंचा होगा. ये टाइम ध्यान से देखेंगे तो कुछ खास नहीं, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट ही है, तो आपके पास आराम से मिल जाएगा इंटू कैपिटल टी. तो आपका हो जाएगा यू एक्स इज नथिंग बट वॉट, इट इज यू कॉस थीटा, इट इज यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी इज इक्वल टू और नथिंग बट टू इंटू यू इंटू साइन थीटा अपॉन आपके पास आ जाएगा जी. तो आपके पास ये रेंज बन करके आ जाएगा, इट इज हाँ टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आपके पास आ जाएगा जी. तो अगर हम और आगे बात करेंगे इसको, अगर तोड़ सकते हैं, तो टू साइन इंटू कॉस नथिंग बट साइन टू थीटा, तो आपके पास रेंज का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी. ये आपको तीन स्टैंडर्ड पॉइंट आ जाएंगे, जिसकी वजह से आप ये तीनों को निकाल सकते हो आराम से. एक और यहाँ बात आता है कि आखिर रेंज मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा. तो अगर हम यहाँ निकालना चाहेंगे आर मैक्स का वैल्यू, फॉर आर मैक्स यू फिक्स रहेगा जो हम स्पीड से फेंकेंगे, जी तो फिक्स रहेगा उस पर्टिकुलर जो सरफेस के बारे में बात करेंगे, चेंज सिर्फ करेगा आपका थीटा. तो आर मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा. तो साइन थीटा उस समय होगा जब मेरे पास साइन टू थीटा इज इक्वल टू हो जाए मैक्सिमम, और ये मैक्स होता है वन पे, दैट इज टू थीटा नथिंग बट पाई बाई टू, क्योंकि साइन 90 डिग्री वन होता है. आपके पास थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, इट इज नथिंग बट पाई बाई फोर. आपको इस एंगल पे अगर आप किसी भी बॉडी को फेंकते हो, तो बाकी सारे के सारे एंगल से मैक्सिमम दूरी पे वो जा करके स्ट्राइक करेगा. इसीलिए लगभग जेवलिन थ्रोअर्स को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप ऐसे अपने आप को जेवलिन को फेंको कि वो एंगल अप्रॉक्सीमेटली इसके रेंज में ही आए. अगर आप चेंज करते हो तो आपका जेवलिन पहले ही गिर सकता है, कभी आगे नहीं जा सकता है. ठीक है, तो ये आपके पास था इस टॉपिक का ऑन एन एवरेज एक थियोरी. ठीक है, तो थियोरी ठीक है. अगर हम इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करना या कुछ प्रॉब्लम्स करना चाहेंगे, तो कैसे हम लोग करेंगे वो देखते हैं. इसमें क्या बोलता है कि पहला बोलता है, एक क्वेश्चन लेते हैं कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ हॉरिजॉन्टल. ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी. ये आपका एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया. इसको हम लोग देखेंगे आखिर ये कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है इसमें. तो पहले एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसी डायग्राम पे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा
हो गया है तो प्लग करना पड़ेगा। और ये आपका यूज होगा, अभी देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम डायग्राम से देखेंगे तो समथिंग ऐसा इसमें इक्वेशन बनेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस मेरा ये हो जाएगा, ये ग्राउंड लेवल आपका हो जाएगा और ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगा, इट इज वर्टिकल डायरेक्शन। तो शुरुआत में बॉडी का स्पीड कुछ एंगल से आपको दिया गया होगा, इट इज यू। इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसका आपका यू दिया हुआ रहेगा और बिगनिंग का आपको एंगल दिया हुआ है थीटा, ठीक है। तो कुछ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम के साथ साथ इसका जो वेलोसिटी होगा, किसी भी कर्व के अगर हम एंगल निकालते हैं ना एक्सिस से, तो वहाँ हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट जो भी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक पॉइंट जो एंगल बनाएगा वो कहलाएगा उसका एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे इस चीज़ को हम लोग, तो हर एक इंस्टेंट पे जिसका जो एंगल बनेगा वो आपका चेंज करेगा। तो अगर एंगल चेंज कर रहा एक्स एक्सिस से, तो ये एंगल चेंज कर रहा होगा इनिशियल स्पीड से भी, ठीक है। तो अपने को लगातार देखना है कि किस इंस्टेंट पे या किस जगह पे इसका जो वेलोसिटी रहेगा वो इनिशियल जो यू है उसका परपेंडिकुलर हो जाए। तो इसका हम परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अगर हम एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करना चाहेंगे समथिंग, मेरे पास ऐसा लाइन आएगा समथिंग, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी का जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, नेट कंपोनेंट जो भी होगा, वो इस इनिशियल डायरेक्शन वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे फिलहाल एक एरो बना दो, तो ये इस पॉइंट पे जो पहुँचने में टाइम लगा होगा वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर पहला बात करेंगे मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करना चाहेंगे, तो अगर दो कंपोनेंट या दो अगर क्वांटिटी अगर परपेंडिकुलर होता है तो उनका स्लोप जो होता है वो आपका उसका मल्टीप्लाई नेगेटिव वन होता है, ठीक है। तो अगर मैं शुरुआत बात करूँगा इनिशियली, तो यहाँ कोई ना कोई स्लोप बन रहा होगा, कोई को आपको स्लोप इसका भी तो बन रहा होगा, इन दोनों का स्लोप निकालते हैं पहले हम लोग बात करेंगे। तो इनिशियली अगर हम बात करेंगे, यू हैव इनिशियली एम वन आपने माना, और ये जाहिर सी बात है आपके पास हो जाएगा यू कॉस थीटा और ये आपके पास हो जाएगा इनिशियली यू साइन थीटा। तो आपके पास टैन थीटा कितना हो जाएगा, नथिंग बट टैन थीटा इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा, तो ये हट जाएगा, यू विल हैव नॉर्मली टैन थीटा। नंबर वन लेके चलो आप इसको। कुछ टाइम के बाद जब इसका वी कंपोनेंट यहाँ पर पहुँच चुका होगा, तो यहाँ पर का स्लोप जो अगर मैं बोलूँगा तो वो कुछ खास नहीं, वो हो जाएगा वी वाई अपॉन हो जाएगा मेरे पास यू वाई, क्योंकि ये आपका वी वाई था, ये आपका शुरुआत का यू वाई था। वी वाई डेफिनेटली इस पॉइंट पे इधर की ओर लाई कर रहा होगा और आपका जो यू वाई होगा वो आपको आराम से इधर की ओर जो कि फिक्स रहेगा, इट इज नथिंग बट यू कॉस थीटा, और ये आपको यहाँ पे वी वाई आ चुका होगा। तो यहाँ से लेकर के पार्टिकल को यहाँ तक आने में टाइम आपको पता करना है। तो वी वाई इज नथिंग बट वी इज इक्वल टू होता है यू वाई प्लस ए वाई इंटू कुछ टाइम टी लगा, तो हमको पता करना है भाई मेरे पास यू वाई कुछ खास नहीं, वो हो जाएगा यू कॉस थीटा। यू वाई शुरुआत में कितना दिया हुआ था, ये आपको दिया हुआ था यू वॉट साइन थीटा, एंड यू हैव ए वाई नथिंग बट माइनस जी, इट इज माइनस जी इंटू ये हो जाएगा टी अपॉन आपके पास हो जाएगा यू कॉस थीटा। एक स्लोप ये, एक स्लोप ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, अगर परपेंडिकुलर है तो दैट शुड बी माइनस वन नेगेटिव। सो यू कैन से फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन यू कैन से एम वन इंटू एम टू इज नथिंग बट वॉट नेगेटिव वन। आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, टैन थीटा को पुट किया इंटू आपने लिखा यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी बाई आपके पास हो जाएगा यू कॉस थीटा,
ये आपको देगा माइनस वन। टैन को अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यू कॉस इंटू कॉस, इस यू कॉस को थीटा नेगेटिव वहाँ चला जाएगा और यहाँ अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी इंटू टी इज नथिंग बट यू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। जब नेगेटिव पार्ट इधर बन करके आ जाएगा, नहीं रुक गया छूट गया, यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन को यहाँ मल्टीप्लाई कर आपको हो जाएगा जी साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर माइनस यू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास जी साइन थीटा इंटू टी ये यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यू विल हैव यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा यू बाई जी साइन थीटा। ये हुआ एक मेथड इसको समझने का। इसका एक और तरीका समझने का है, अगर हम देखेंगे बहुत ध्यान से तो वो ठीक है। अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, वेक्टर में क्या कहते हैं कि आपको कोई टेंशन नहीं है, जो मन चाहे आप वो कर सकते हो, यू कैन टेक एनी रेफरेंस एक्सिस। तो क्यों ना मैं इस एक्सिस को ही मान लूँ एज ए रेफरेंस एक्सिस। तो ये अपने मन से मैंने माना एक्स और इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा अपने पास वाई, और अभी आपके पास यू साइन थीटा था। तो शुरुआत का जो स्पीड आपको दिया गया था वो यू, ये यू ही रहेगा, ग्रेविटी यहाँ लग रहा है और ये इधर की ओर आ जाएगा। अगर ये थीटा तो ये नाइन बाई थीटा, ये थीटा हो जाएगा आपके पास यहाँ आ जाएगा जी साइन थीटा, ठीक है, और ये आपको मिलेगा जी कॉस थीटा। तो अगर सिर्फ वेलोसिटी इस वाई कंपोनेंट में अगर है जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इस लाइन के अलोंग एक्स के अलोंग नेट यू कितना रहेगा, नेट वी कितना हो जाएगा, इट विल बी जीरो, क्योंकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं वाई के अकॉर्डिंग। तो वाई में आपको जो अगर हम बोलेंगे टेक अलोंग एक्स एक्सिस, जब भी हमने अपने मन से रेफरेंस लिया है, इसमें मेरे पास यू एक्स कितना हो जाएगा, आपको दिया हुआ है यू। तो अगर सिर्फ मेरे पास v यहाँ पर अकेला y कंपोनेंट में है तो यहाँ x मेरे को जीरो करना पड़ेगा, यानी कि हमको निकालना पड़ेगा vx will be zero। और हम along इसके along बात करेंगे तो मेरे पास vx is equal to हो जाएगा ux plus ax into t। vx मेरे पास जीरो था, ux अपने को दिया हुआ था नॉर्मल u, और ये आपके पास g ax जो हो जाएगा वो हो जाएगा g sin थीटा, जो कि नेगेटिव में होगा तो आपको हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा इंटू आपका हो जाएगा टी। तो टी यहाँ से भी निकल जाएगा यू बाई जी साइन थीटा। इट्स अ सेकंड मेथड।